राजस्थान में लोक उत्सव गणगौर का बड़ा ही महत्व है। राज्य में होलिका दहन के अगले दिन यानी कि धुलंडी के रोज कुंवारी कन्याएं और नवविवाहिताएं घर घर में गणगौर की पूजा करती हैं। 16 दिन तक चलने वाले गणगौर उत्सव के समापन के दिन प्रदेश की सभी कन्याएं और महिलाएं बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ पूजा अर्चना करती हैं। होलिका दहन के अगले दिन हम गणगौर की स्थापना करते हैं। ये हम 16 दिन तक पूजते हैं। इसमें सभी स्त्रियां इकट्ठा होकर गणगौर का पूजन करती है और नवविवाहित महिला, जो भी नवविवाहित महिला होती है, वो अपने पहला साल पीहर में जाकर गणगौर का पूजन करती है। हम गणगौर में गीत भी गाते हैं और हम झांकियां भी देखने जाते हैं गणगौर की। लेकिन अभी कोरोना वायरस होने की वजह से सभी कुछ बंद है। कोई बात नहीं, अगले साल देख आएंगे। और हम जब 16वां दिन होता है तो हम इसकी धूमधाम से पूजा करते हैं। और गणगौर के दिन हमारे सिंजारा भी आता है, लेकिन इस बार सिंजारा नहीं आ पाया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सिंजारा भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि सब कुछ बंद है। और जितनी भी स्त्रियाँ होती है 16वें दिन इकट्ठे होकर पूजन करती है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा सुहाग बना रहे और उन्हें लंबी उम्र प्राप्त हो। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। गुलाबी नगर जयपुर में लोक संस्कृति के उत्सव गणगौर को बड़े ही भव्य आयोजन के साथ मनाया जाता है। यहाँ 3 दिवसीय गणगौर पर्व में लोक संगीत और नृत्य आदि के साथ सिटी पैलेस से गणगौर माता की सवारी बड़े शान और पूरे लवाजमे के साथ निकाली जाती है। उधर हर गली मोहल्लों में भी महिलाएं अलग अलग समूहों में एकत्रित होकर गणगौर माता की पूजा करती हैं। जगह जगह इस पर्व को लोक परंपराओं और रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संकट के चलते पूरे राज परिवार की ओर से सिटी पैलेस से गणगौर माता की भव्य सवारी नहीं निकाली गई। जयपुर शहर की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि किसी रोग संक्रमण के चलते या अन्य किसी कारण से गणगौर माता की आकर्षक सवारी नहीं निकाली गई हो। इस बार सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही सीमित रहकर पूजा की और गणगौर माता को प्रसन्न किया।